और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज तारीख 30 अगस्त 2019, सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज की तिथि और नक्षत्रों के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र में। आज दिनांक 30 अगस्त 2019 दिन है आज का शुक्रवार। आज संवत 2076 के भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष वर्षा ऋतु की आज अमावस्या तिथि है, जिसको कि हम कुशोर पाटनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी, इसके महत्व के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और आज का नक्षत्र है मघा नक्षत्र। आज सूर्योदय प्रातःकाल 5:48 पर हुआ। आज का सूर्यास्त सायंकाल 6:29 पर होगा। और आज का जो राहु काल का समय है वो 10:34 से लेकर 12:09 तक आज के राहु काल का समय रहेगा। तो आज है कुशोत पाटनी अमावस्या, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जी सौम्या जी, जैसे कि पंडित जी आपने तिथि और नक्षत्रों की जानकारी तो हमारे दर्शकों को दे ही दी है, तो जैसे आपने कहा कि आज अमावस्या है उसकी आप चर्चा करेंगे, तो पंडित जी उस अमावस्या के बारे में बताइए, किस तरह की चीजें उसमें करनी है, हमें क्या क्या कुछ होता है। बिल्कुल जी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के दिन है। 30 अगस्त के दिन कुशोत पाटनी अमावस्या आज शुक्रवार को पड़ रही है। कुशोत पाटनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मनाई जाती है, मतलब सायंकालीन समय में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास को एकत्रित करके रख लिया जाता है, जिसको कि हम कुश कहते हैं। वो वर्ष भर पूर्ण फलदायी होती है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता। कहा गया है, पूजा काले सर्वदैव कुश हस्तो भविक्षुषिः, कुशेन रहिता पूजा विफला कथितामया। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित जो है वो अपने यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी हुई पवित्री को पहनाते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिला है। इनमें जो भी आपको मिल सके उससे पूजा के समय या धार्मिक अनुष्ठान के समय कुश की पवित्र या कुश को ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो किस तरीके से कुश को उखाड़ना है, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या नियम हैं, सब कुछ हम अपनी चर्चा में आज शामिल करें। उससे पहले बता देते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा आज का भाग्य। मेष राशि, मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ है। मन प्रसन्न रहेगा एवं कार्य करने में आत्मविश्वास भी बना रहेगा। परिवार एवं समाज में आज आपको सम्मान प्राप्त होगा व भाइयों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रक्त संबंधी कोई परेशानी हो सकती है व आज आपको त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकता है। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी व वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। ससुराल पक्ष में कोई धार्मिक कार्य भी मेष राशि के जातकों के हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका सामान्य है। मन में तनाव रहेगा व कार्य करने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनेगी। किसी बात को लेकर के भाइयों से मतभेद भी हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें व जीवन साथी के द्वारा किसी धार्मिक कार्य में धन का उपयोग हो सकता है। घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है व ससुराल से किसी के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना भी मिल सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ है। मन में प्रसन्नता रहेगी व रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। समाज में सम्मान प्राप्त होगा व प्रेम प्रसंग में आज आपको सफलता मिलेगी तथा आज आपका भाग्य अनुकूल है व संतान पक्ष से संबंधित कार्य आपको संपन्न होंगे। इससे आपका मन लगा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ नहीं है। मन में तनाव बना रहेगा एवं अनावश्यक रूप से क्रोध आता रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर के आज आपका किसी से विवाद हो सकता है। इस कारण आज आपका मन खराब रहेगा और चिड़चिड़ापन बना रहेगा। आज आप अगर माता का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी व जीवन साथी में तर्क शक्ति जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है आज। तो कर्क राशि के जातक थोड़ा सा ध्यान रखें। कर्क राशि का ही जातकों का था ये आज का राशि जी। जैसे कि पंडित जी आज हम अमावस्या पर चर्चा करें और आपने चर्चा की है कुश की, तो उसकी क्या महत्वता है, उसको क्या महत्व रखती है इस अमावस्या में? कुश अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। यह देव पितर, प्रेत व पूजा के पूजा में समान महत्व रखती है। इसको अनामिका उंगली में धारण करने के उपरांत ही सभी मांगलिक व अमांगलिक कार्यों का विधान पूर्ण होता है। कुश जो है वो एक प्रकार का तृण है व कुश की पत्तियां नुकीली, तीखी और कड़ी होती हैं।
धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र समझी जाती हैं और इसकी चटाई पर राजा लोग भी सोते थे। वैदिक साहित्य में इसका अनेक स्थलों पर उल्लेख है। अथर्ववेद में इसे क्रोध नाशक व अशुभ निवारक भी बताया गया है। आज भी नित्य नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों और श्राद्ध आदि कर्मों में कुश का उपयोग होता है। कुश से तेल निकाला जाता था, ऐसा कौटिल्य के उल्लेख से ज्ञात होता है। भाव प्रकाश के मतानुसार कुश त्रिदोष नाशक है। एक प्रसंग है कि एक बार की बात है कि जब भगवान श्री हरि ने वाराह अवतार धारण किया तो हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब पृथ्वी को वो जल से बाहर निकाले और अपने निर्धारित स्थान पर उस पृथ्वी को स्थापित किया, उसके बाद वाराह भगवान ने विपशु प्रवृत्ति के अनुसार अपने शरीर पर लगे जल को झाड़ा, तब भगवान वाराह के शरीर से रोम माने बाल पृथ्वी पर गिरे और वह कुश के रूप में बदल गए। चूँकि कुश घास की उत्पत्ति स्वयं भगवान वाराह के अंगों से हुई है, अतः कुश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए किसी भी पूजन पाठ हवन यज्ञ आदि कर्मों में कुश का प्रयोग किया जाता है। तो कुश से संबंधित ऐसे तमाम दंत कथाएं भी हैं, कथानक भी हैं, वेदों में पुराणों में भी इसका उल्लेख है। इसके बारे में और भी हम जानकारी अपने दर्शकों को दें उससे पहले बता देते हैं सिंह कन्या तुला व वृश्चिक राशि वालों का कैसा व्यतीत होगा आज का दिवस। सिंह राशि के जातकों, आज मन में प्रसन्नता रहेगी व कार्य करने में आत्मविश्वास बना रहेगा। परिवार में आनंदपूर्ण वातावरण बना रहेगा व भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आज माँ के आशीर्वाद से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। संतान के लिए भाग्यशाली समय है व संतान को इससे सफलता मिलेगी और उस सफलता से आप गौरव महसूस करेंगे। कन्या राशि के जातकों का दिन आज सामान्य रहेगा व मन में थोड़ा सा उदासीनता बनी रहेगी। कार्य करने में मन नहीं लगेगा व निर्णय लेने में असमर्थता महसूस होगी। आपके कार्यों में भाई व आपका भाई सहयोग करेंगे व आपका कुटुंब भी सहयोग करेगा। संतान की कोई विशेष समस्या है जिसको कि आप अपने विवेक से हल कर पाएंगे। तुला राशि के जातकों का दिन आज का शुभ है व हाथ में सफलता रहेगी। आप कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे, वे मन लगा करके काम कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी पद प्राप्त हो सकता है व जीवन साथी से सामंजस्य बना करके रखें। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा व कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति के आज आपके योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन शुभ नहीं है। मन में तनाव बना रहेगा व कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद होने के उपाय से मन में झंझनाहट रहेगी। निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करेंगे। संसार से आसक्ति कम होगी व ईश्वर भक्ति में मन लगेगा। परिवार से कम सहयोग होगा। संतान की किसी बात को लेकर के चिंतित रहेंगे। अधिक तनाव न लें, नहीं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो उसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। जी, जैसे कि पंडित जी लगातार हम अमावस्या पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपने कुश की चर्चा की, कितनी महत्वता रखते हैं हमारे धर्म में कुश, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पंडित जी हमें इस अमावस्या में ध्यान रखनी चाहिए? अमावस्या में जो कुश है, आज की अमावस्या में लाया था, ये सब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से कुश को लाना है, शोधित करके उसको अपने घर पर रखना है। वर्ष पर्यंत इस कुश का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं है कि कुश का क्या प्रयोग है। अगर किसी की पंचक में मृत्यु होती है तो ऐसी मान्यता है कि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तो घर में 5 सदस्यों की मृत्यु होती है। इसके निवारणार्थ 5 कुश के पुतले बना करके मृतक के साथ जला दिए जाते हैं। कुश ग्रंथि की माला है, कुश की जो ग्रंथियां होती है उससे माला बनाई जाती है। कुश की जलों से निर्मित दानों से बनी माला पापों का शमन व कलंक हटाने, प्रदूषण मुक्त करने व व्याधि का नाश करने हेतु प्रयुक्त होती है। तीसरी चीज है, कुश का आसन बनाते हैं। कुश घास से में बने आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवानुकूल व सर्वसिद्धिदाता बनता है। इस आसन पर बैठकर ध्यान साधना करने से तन मन से पवित्र होकर के बाधाओं से वो सुरक्षित रहता है जो उस आसन पर बैठ करके पूजन ध्यान करता है। कुश को धनवर्धक भी कहा गया है। कुश को लाल कपड़े में लपेट करके घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है। तथा कुश का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो कि हम प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करते हैं। ग्रहण काल में कुश का प्रयोग किया जाता है। जब ग्रहण पड़ते हैं तो उसमें भी ग्रहण काल में कुश का प्रयोग कैसे करते हैं, ग्रहण काल से पूर्व सूतक में कुश को अन्न जल आदि में डालने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से वह कुश आपके उस अन्न व जल को बचाता है।
तो ऐसे और भी क्या चीजें हैं, कैसे आज उस कुशोत्पाटनी अमावस्या में आप उसको लाएं, उसके किस तरीके से क्या विधि है, सब कुछ अपने दर्शकों को हम बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं धनु मकर कुंभ मीन राशि वालों का कैसा व्यतीत होगा आज का दिन। धनुराशि, धनुराशि के जातकों आज का दिन आपका शुभ है, मन प्रसन्न रहेगा व आप पहले की बातों के तनाव से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं अधिक मन लगा करके आप कार्य कर पाएंगे, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा व सामाजिक क्षेत्र में अधिक सक्रियता होने से समाज में आपको कोई विशेष पद भी प्राप्त हो सकता है। आज आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों आज का दिन शुभ नहीं है, मन में अनजाना सा भय बना रहेगा व कार्य करने में आज आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा परंतु भाइयों से किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे और शत्रुओं के द्वारा आपकी छवि को बिगाड़ने का भी प्रयास हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ है, मन में प्रसन्नता रहेगी व दिमाग सक्रिय रहेगा और कार्य करने के लिए शरीर में बहुत स्फूर्ति महसूस करेंगे, अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और संतान पक्ष का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, संतान आपको आपके व्यवसाय में भी सहयोग प्रदान कर सकती है और क्रोध पर नियंत्रण रखें एवं अपनी बुद्धि का प्रयोग करें जिससे कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकेंगे। मीन राशि, मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं है, मन में तनाव एवं अस्थिरता बनी रहेगी व कार्य करने में आत्मविश्वास की कमी रहेगी जिससे कि आप कार्य को भयपूर्वक करेंगे, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, संतान से वैचारिक मतभेद बना रहेगा और संतान के भविष्य को लेकर के आज आप चिंतित रहेंगे, परंतु आपको चाहिए कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपनी संतान को सही सलाह दें। तो यह था मीन राशि वालों का जी आज का राशिफल। जी सौम्या जी, जैसे कि पंडित जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज की कुश अमावस्या पर, जैसे पंडित जी आप कुश की बात कर रहे हैं, तो अगर आज के दिन कुश को उखाड़ा जाए तो क्या उससे लाभ या मिलता है या कुछ नुकसान होता है, क्या कुछ उसका असर पड़ता है? आज की अमावस्या का नाम है कुशोत्पाटनी अमावस्या, जिसने कि कुश को उत्पाटन माने उखाड़ करके घर पे लाया जाता है। आज के दिन का उखाड़ा गया कुश एक वर्ष पर्यंत वह कुश उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में कुश को अत्यंत पवित्र माना गया है, वह वैदिक परंपरा में पूजा जप श्राद्ध कार्य इत्यादि के समय पवित्री धारण करना कुश की आवश्यक माना जाता है। वो पवित्री कुशा से बनाई जाती है और अमावस्या के दिन उखाड़ा गए कुश का एक महीने तक उपयोग किया जा सकता है। अमावस्या वैसे जो नॉर्मल अमावस्या होती है उसमें अगर कुश उखाड़ा जाता है तो उसका उपयोग एक महीने तक, लेकिन कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ा गया जो कुश है वो एक वर्ष पर्यंत उपयोग में लाया जा सकता है। किंतु कुशोत्पाटनी अमावस्या को उखाड़ा गया कुश एक वर्ष तक शुद्ध व उपयोगी रहता है। तो कैसे कुशोत्पाटन करना है? कुश को उखाड़ने से को कुशोत्पाटन कहा जाता है, इसलिए स्नान के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर प्रातःकाल कुशोत्पाटन के लिए प्रस्थान करें। कुशोत्पाटन करते समय व कुश को उखाड़ते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और सर्वप्रथम ओम कहकर कुश को स्पर्श करें और फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना है कि विरंचना सहोत्पन्न परमेष्ठ निसर्जनम नुत्सर्वाणी पापानी दर्भ स्वस्ति करो भवन से। प्रार्थना करना है कि हे कुश देवता, हम आपको अपने घर में पूजन पाठ के निमित्त आपको ले चल रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। उस प्रार्थना के पश्चात हुम फट बोल करके कुश को उखाड़ लेना है। इससे पहले उखाड़ने से पहले एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कौन सा कुश आपको उखाड़ना है। कुश उखाड़ने से पूर्व यह ध्यान रखें कि जो कुश आप उखाड़ रहे हैं वह उपयोग करने योग्य हो। ऐसा कुश ना उखाड़ें जो गंदे स्थान पर हो, जो जला हुआ हो या जो मार्ग में हो या जिसका अग्रभाग कटा हो। इस प्रकार का कुश ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, पूजा में उपयोगी नहीं होता है। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए ऐसी तमाम बातें जो हमने बताई हैं कुश से संबंधित, कुश का उपयोग, कैसा कुश उखाड़ना है, किस तरीके से उखाड़ना है, पूर्व व उत्तर की ओर मुख करके उखाड़ना है, तो ऐसे कुश को आप उखाड़ करके लाइए और पूरे वर्ष उस कुश का उपयोग निम्न तरीकों से, जैसे जैसे जो तरीके हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या आपके घर में श्राद्ध हो, पर्व हो, जो पूजन पाठ, सभी में आप कुश का उपयोग कर सकते हैं। एक वर्ष तक आज के दिन का उखाड़ा गया कुश पूरे वर्ष काल में आएगा। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने आज अमावस्या की पूरी बात बताई कि किस तरीके से इस पे कुश को आपको उखाड़ना है, कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, किस तरीके से उसका उपयोग लाना है, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जेमिनी न्यूज। नमस्कार।